हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस सीरीज टुडे वी विल डिस्कस आवर चैप्टर सेवन दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स प्लांट्स जब प्लांट्स की बात आती है तो आप देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कितने सारे प्लांट्स हैं देखते हैं आपके घरों में बहुत सारे प्लांट्स होंगे ट्रीज लगा रखी हैं आप लोग भी प्लांट करते हैं ट्रीज तो ट्रीज़ की ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए उसके पार्ट्स हैं जैसे उसके रूट्स हैं उसके अंदर वीन्स होती हैं स्टेम में क्या होता है उनका फंक्शन क्या है तो इस चैप्टर में हम वो सब डिस्कस करेंगे सेकेंडली जो प्लांट्स होते हैं बेटा आपको पता है हम लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं प्लांट्स में आ, पार्क में क्यों जाते हैं क्योंकि पार्क में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और जो प्लांट्स हैं दे मेक अस हैप्पी वो हम उनको देख के हम काफ़ी खुश होते हैं उनसे क्योंकि उसका रीज़न क्या है क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे गिव अस ऑक्सीजन वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे जो हमारा माइंड है वो फ्रेश हो जाता है तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्यों क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं तो ऑक्सीजन आपको पता है हम ब्रीद करते हैं हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन से ही लेते हैं तो जो प्लांट्स हैं दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट तो आज इस चैप्टर में हम उनके वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स उसके अंदर कौन से कौन से पार्ट्स होते हैं एंड वॉट आर देयर फंक्शंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स अराउंड अस अ गार्डन हैज मैनी प्लांट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस द ग्रास इन द लोन आर ऑल्सो प्लांट अभी आपने देखे होंगे आपके जो गार्डन्स आप लोग ग्रो करते हैं या गार्डन्स आप बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शेप होती है और साइज होता है प्लांट्स का तो जो ग्रास है इवन जो छोटा सा आपका लोन में जो ग्रास होता है वो उसको वो भी एक बेटा प्लांट है एंड इफ वी गो टू विलेज साइड वी सी द क्रॉप प्लांट्स और जो फील्ड्स होते हैं जो हमारी फसल होती हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट्स एट अवर होम एंड स्कूल ऑल्सो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग पॉटेड प्लांट्स पॉटेड प्लांट्स मीन्स जो हम हमारे घरों में जो पोर्ट्स होते हैं वाश होते हैं उनके अंदर लगाते हैं प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स प्लांट्स आपको पता है वो सांस लेते हैं वो खाना भी बनाते हैं दे ग्रो इन सॉइल एंड रिमेन फिक्स एट अ प्लेस थ्रू देयर रूट्स लेकिन जो प्लांट्स बेटा वो चल नहीं पाते क्योंकि वो एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं सॉयल के अंदर प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स डू जैसे एनिमल्स है जैसे हम लोग हैं जैसे डॉग कैट है जैसे, dog, cat, जैसे वो घूम फिर सकते हैं ऐसे प्लांट्स नहीं चल सकते द प्लांट्स में एक देअर ओन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता है आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इवन हम लोग भी अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो एक फोटो सिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती है बेटा उससे अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आर वेरी बिग समर मीडियम साइज समॉल समस्ट पैच ऑफ ग्रीन मटीरियल ऑन द सोइल अभी बेटा प्लांट जो है ना अलग अलग साइजेस के होते हैं कोई तो बहुत बड़ा होता है आपने देखे भी हैं बहुत छोटे होते हैं कोई मीडियम साइज के होते हैं या फिर बिल्कुल जो बिल्कुल जमीन में ग्राउंड में एक छोटा सा पैच कितने मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है देखे होंगे सभी प्लांट्स जो होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर एक्सेप्ट सम लेकिन किसी किसी के प्लांट्स कलरफुल भी होते हैं सॉरी किसी किसी के लीव्स कलरफुल भी होते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल अभी जो बेटा प्लांट्स होते हैं वो एक तो फ्लावर बियरिंग होते हैं और एक नॉन फ्लारिंग होते हैं एक तो फ्लारिंग प्लांट्स जिनके ऊपर फूल लगते हैं दोज प्लांट्स आर नोन एज फ्लारिंग प्लांट्स ठीक है जैसे कि आपका रोज है मैंगो है नीम है मस्टर्ड है सनफ्लावर और, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं विच डू नॉट बीअर फ्लावर जिनके ऊपर फूल नहीं आते दोज आर नोन एज नॉन फ्लारिंग प्लांट्स जैसे कि फंस मोस एल्गा फंजाय या फिर कॉर्निफर्स जो पाइन ट्रीज हैं हमारे जो हिली एरिया में पाए जाते हैं ट्रीज वो ऐसे ट्रीज हैं पाइन ट्रीज हैं बेटा उनके ऊपर फ्लावर नहीं आते हैं तो अभी जो हमारे प्लांट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज हर्ब सेकेंड इज सर्ब एंड थर्ड इज ट्रीज तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज हर्ब्स हर्ब्स क्या होते हैं देखो हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स हैविंग अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम हर्ब्स डू नॉट है स्टेम दे आर नॉन वुडी प्लांट्स हर्ब हैव अ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम देखो जो आपके लाइक like, आपके घरों में टमेटो का आपने प्लांट देखा होगा मस्टर्ड देखी है रेडिश देखी है व्हीट देखी है तो ये जो प्लांट होते हैं दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स हर्ब मतलब बहुत ही छोटा प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है दैट इज ग्रीन वो ग्रीन कलर की होती है उसके अंदर कोई लकड़ी नहीं होती उसको हम ईजिली बेंड कर सकते हैं दैट इज नोन एज नॉन वुडी प्लांट्स ठीक है कोई वुड प्रेजेंट नहीं होता है सेकेंड कैटेगरी इज शर्ब्स शर्ब्स क्या होते हैं बेटा जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं दे आर नोन एज शर्ब्स विद अ हार्ड एंड वुडी स्टेम उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है थोड़ी और थोड़ी वुडी होती है ब्रांचिंग आउट नियर द बेस देखो जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है ये पिक्चर आप देख सकते हैं दिस इज एन शर्ब एक रोज प्लांट है ये तो रोज क्या है रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ शर्ब दो द स्टेम ऑफ शर्ब इज हार्ड बट इज नॉट वेरी थिक बहुत ज्यादा थिक नहीं होती है स्टेम एक्चुअली शर्ब डो नॉट a distinct मेन स्टेम और a ट्रंक देखो कुछ ऐसे होते हैं उसकी बहुत सारी एक सिंग, सिंगल ट्रंक नहीं होती या फिर सिंगल स्टेम नहीं होती उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जैसे कि आपके घरों में आपने एग्जांपल देखा है रोज तुलसी सभी घरों में होती है तो तुलसी है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शर्ब चाइना रोज जो आपके स्कूल में आप देखते हैं चाइना रोज बहुत सारे इसको जिसके जिसको हम शूफ्लार भी बोलते हैं ग्रेनेट आपका जो अनार का पेड़ हीना एंड लेमन ये कुछ एग्जाम्पल हैं शर्ब्स के इसके बाद आता है बेटा ट्रीज ट्रीज के बारे में आप सभी को पता है आप सभी देखते हैं ट्रीज़ आर टॉल एंड बिग प्लांट्स विद हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है दैट इज़ वुडी थक होती है ट्रीज है ना जिसको हम ट्रंक कहते हैं विच यूजली गिवस आउट एंड लीव जिसके ऊपर ब्रांचेस और लीव्स लगते हैं द ब्रांचेज इन ए ट्री अपियर हाइयर अप ऑन स्टेम देखो जो ट्रंक होता है उसके ऊपर लगती हैं ब्रांचेस काफी ऊपर जैसे कि नीम है मैंगो है पम है है, ओक है ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ट्रीज के आगे बेटा हमारे जो ये तीन हैं, इनके अलावा दो टाइप के प्लांट्स और होते हैं फर्स्ट इज क्लाइमर्स जिसको हम बेल बोलते हैं ठीक है अ प्लांट हैविंग अ थिन लोंग एंड वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट रीडियली क्लाइम्स नेबरिंग सपोर्ट और अ ट्री इज कॉल्ड ए क्लाइमर देखो ये एग्जाम्पल आपकी इमेज दिखाई दे रही है कुछ ऐसा ठीक है इसको क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज क्लाइमर क्लाइमर के पास बेटा एक सपोर्ट uh, के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है स्पेशल ऑर्गन जिसको हम टेंड्रिल नाम देते हैं देखो ये टेंड्रिल है इसकी हेल्प से वो सपोर्ट लेके और काफी हाइट तक जा सकता है क्लाइंब करता है पर उसके पास सपोर्ट होना चाहिए जैसे कि कोई ट्री है ट्री के ऊपर ही अपने टेंड्रिल्स को फोल्ड करेगा उसके साथ साथ इंक्रीज करता जाएगा अपनी हाइट द ट्रेंड्रिल ऑफ क्लाइंबर प्लांट्स वाइंड देमसेल्वस अराउंड एनी नेबरिंग ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब एग्जाम्पल जैसे कि पी प्लांट बटर जो घिया होती है बटर बिटरगोर्ड करेले को बोलते हैं बिटर बिटरगोर्ड स्वीट गोर्ड बोटल गोड ग्रेप वाइन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमर्स इसके बाद सेकेंड आता है क्रीपर्स क्रीपर्स मतलब जो रिंगते हैं मतलब एक तरह से क्रीपर का मतलब होता है रिंगने वाले अ प्लांट हैच कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड्स ऑन ग्राउंड जो ग्राउंड पे फैल जाते हैं दोन एज क्रीपर्स अ क्रीपर हैज नो क्लाइम्बिंग टेंड्रिल देखो जैसे इसके पास ये टेंड्रिल है क्लाइंबर में क्रीपर के पास कोई भी क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होता है क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड और अदर सरफेसिस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स वो उनकी जो शूट्स होती हैं वो उनको एक्सटेंड करके ही ग्रो करते हैं टू एग्जाम्पल्स आर स्ट्रॉबेरी प्लांट एंड मनी प्लांट मनी प्लांट की मनी uh, प्लांट सभी के घरों में होता है तो आप देखते हैं तो मनी प्लांट किसका एग्जाम्पल है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंबर प्लांट एंड क्रीपर प्लांट इज दैट क्लाइंबर प्लाट्स हैव क्लाइंबिंग ऑर्गनस लाइक टेंड्रिल बट क्रीपर प्लांट्स हैव नो सच क्लाइंबिंग ऑर्गन्स देखो मैंने बताया भी था जो क्लाइंबर्स होते हैं बेटा उनके अंदर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर द ऑर्गन्स विच हैल्प दैम टू विच हेल्प फॉर हेल्पिंग या फॉर सपोर्ट एक तरह से ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल ऑर्गन जो उनको सपोर्ट करते हैं क्लाइंब करने में लेकिन क्रीपर्स के पास ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं होता है थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग